हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो अपना CSC पे जितनी भी अपना CSC में सेवाएं आई हैं उन पे हमें कितना कमीशन मिलेगा, हम कौन सा VLE जो है, हम कौन सा काम करें VLE कौन सा काम करें जिससे उन्हें अच्छा कमीशन मिल सके, ठीक है। तो वो क्या क्या सेवाएँ हैं, तो हम एक कमीशन की जो लिस्ट है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे तो अपना CSC में बहुत सी सुविधाएं हैं जो आई हैं, बहुत सी, ठीक है। तो उनमें हमें कमीशन के बारे में जानना है, किसका कमीशन ज़्यादा है और किसका कमीशन कम है, क्योंकि उसमें किसान से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित सेवाएं हैं, बैंकिंग से संबंधित सेवाएं हैं और भी अदरवाइज जितने भी उसमें हैं, तो मैं सबका कमीशन आपको बताऊँगा। लेकिन अभी मैं उनके बारे में कमीशन बताऊँगा जिनका कमीशन फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं उनके कमीशन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम कमीशन कैसे चेक करते हैं, अपना VLE अपना कमीशन चेक कैसे चेक कर सकते हैं अपना CSC का, तो फिर आप हमारा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। इसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSC, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंध वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको जल्दी से जो है हमारे अपना हिंदी वर्ड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको जो है अपना कमीशन चेक करना कैसे है। तो उसके चेक करने के बहुत से तरीके हैं, एक तो कि आपके जो मेल ID है जो उससे कनेक्ट है, तो आपके उस पर भी जो है मेल सेंड कर दिया जाता है कि भाई ये सेवा आई है, आप इससे इतना, आपको इस सेवा का इतना कमीशन मिलेगा, इसका इतना कमीशन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी जो है इनको देख के चेक कर सकते हैं। या फिर इनकी मंथ होता है इनका, लास्ट में एक इनकी जो है पत्रिका आती है, ठीक है, आपके मेल ID पे भेज दी जाती है, उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है कि इनकी इस महीने में इतनी सेवाएँ चालू हुई हैं और इनका कमीशन इतना है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कमीशन को जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं सारे कमीशन को। लेकिन अगर आप एडवांस जानना चाहते हैं कि अपना CSC से ही देखें कि हमें कितना कमीशन मिलेगा, कौन से काम पे और कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, तो चलिए हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम अपना CSC की वेबसाइट खोल लेते हैं, क्योंकि उसी पे हमें उस कमीशन का जो है डेटा मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम अपना CSC की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे अपना csc.gov.in, ठीक है। आपने अपना CSC की वेबसाइट पे तो काम किया ही है, तो आप जानते ही हैं इसे। चलिए हम अपना CSC की वेबसाइट खोल लेते हैं। ये देखिए, ये अपना CSC की वेबसाइट है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्लिक किया और ये जो है ओपन हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अपना CSC की वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, ठीक है। तो जैसे ही अपना CSC की वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर हमें CSC कनेक्ट पर क्लिक करना। तो यहाँ पर CSC कनेक्ट लिखा हुआ है BLE लॉगिन के, यहाँ आप देख सकते हैं BLE लॉगिन क्लिक किया है। तो आपको इस पे जो है कनेक्ट करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। आप इस पे यूज़र नेम और पासवर्ड पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, ये HCA लॉगिन के लिए है, ठीक है। तो आपको इस पे कुछ नहीं करना है, आपको तो इस CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है, लिखा हुआ है BLE लॉगिन क्लिक हेयर, ठीक है। तो आप इसको, आपको जो है इस कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये अगले पेज में ले जाएगा। तो चलिए हम इस CSC कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने क्लिक करा इस पे, तो एक और पॉपअप विंडो खुल रही है हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं एक और पॉपअप विंडो हमारे सामने खुल गई है, ठीक है। वैसे तो आप इस पे, आपने इस पे काम किया होगा तो आप इसे लॉगिन करना जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे नए VLE हैं वो इस पे जो है लॉगिन करना अभी नहीं जानते हैं, तो वो सीख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी CSC ID डालनी है, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को टाइप करना है और अथेंटिकेट पे क्लिक करके इसे लॉग इन करा लेना है, ठीक है। तो ID फॉर्म डालने के बाद अथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, तो जो आपकी ID है लॉग इन हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें अपनी ID और पासवर्ड डाल के इसे लॉग इन करा लेते हैं। अथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से अगले पेज में ले जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रिय VLE धोखाधड़ी वाली साइटों से खबरदार रहें, ठीक है। आप किसी भी ऐसी सेम दूसरी साइट पे कभी भी लॉगिन ना करें, क्योंकि जो भी साइट है यही साइट है, और अगर आप किसी और साइट पे लॉगिन करते हैं तो वो आपका CSC ID और आपका पासवर्ड चुरा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप केवल इसी साइट पे, अपना CSC की साइट पे, ओरिजिनल साइट पे ही लॉग इन करें, ठीक है। चलिए इस पे हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे अपना सर्विस पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है सर्विस, वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पे सर्विस पासवर्ड
इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्विस पासवर्ड को इंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा और इसे लॉग इन करा लूँगा, ठीक है। तो ये सबमिट पे हमने क्लिक करा और ये देखिए हमारी आईडी लॉग इन हो रही है। तो ये हम अपनी आईडी में लॉग इन हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी आईडी में लॉग इन होना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सारी सेवाएं दी हुई हैं। आपको करना क्या है, कन्फर्मेशन देखने के लिए आपको इसे स्क्रॉल करना है नीचे, ठीक है। चलिए हम इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो है व्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स, दूसरा है वीएलई कमीशन लिस्ट और तीसरा है वॉलेट वीएलई टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वीएलई कमीशन लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है अगले पेज में ले जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर हम क्लिक करके देखते हैं और आपको बताते हैं। तो ये हमने इस पर क्लिक करा और ये देखिए कमीशन का हमारा पेज खुल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कमीशन की जो है लिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। इसमें सारे कमीशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं हर चीज़ का कमीशन और फिर उस हिसाब से आप काम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर सर्विस का, जितनी भी एग्रीकल्चर सर्विस हैं आपको यहाँ पे उनका कमीशन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो उनकी सर्विस है उनका नाम दिखाई देगा और इस साइड आपको उनकी जो अर्निंग है आपकी कमीशन वीएलई की, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए एम किसान रजिस्ट्रेशन, आप इस पे आपको क्या है, ये किसान का रजिस्ट्रेशन है। अगर आप किसी किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं करते हैं तो आपको एक किसान पे आपको ₹3 दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये पहला हमारा किसान रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किसान। और इसके बाद फार्मर क्वेरी सिस्टम, तो एक फार्मर क्वेरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको वीएलई में सेवा दी हुई है फार्मर क्वेरी की, आप जब इस पे करते हैं, इस पे काम करते हैं तो आपको ₹2-5 दिए जाएंगे, ठीक है। और तीसरा सर्विस है जो फार्मर फीडबैक, ठीक है, ये फार्मर फीडबैक भी किसान में ही है। तो आपको जब इस पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो आपको इस पे ₹3-5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी, ठीक है। आप जब ये असम के लिए है, सॉरी ये असम के लिए है, ऐसी हर राज्य के लिए, स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे असम के लिए है एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पे दिया होगा, अगर ये असम के लिए होगा या यूपी के लिए होगा या महाराष्ट्र के लिए होगा तो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे असम के लिए है और असम में इनके लिए एग्रीकल्चर का अगर किसी का भी अगर एक फॉर्म भरते हैं, उन्होंने कोई चीज़ अगर आपसे मंगाई है, जैसे कि कोई सीडल मशीन या कोई भी मशीन अगर मंगाई है, तो उसके आपको जो कमीशन मिलेगा आपको ₹20 कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। इसका हम इसे स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं तो इस पर और कमीशन की लिस्ट हम देख लेते हैं। तो ये आगे जो है ये टाटा रेल्स है, इसमें आप देख सकते हैं इसका कमीशन अलग है, लेकिन इसमें मार्केट के बेसिस के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा रेल्स हुआ। इसके बाद BNR सीड्स, ठीक है, ये सीड्स है लेकिन इसका कमीशन अभी आया नहीं है, कमिंग सून में है, ठीक है। तो जो कमीशन आ गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो नहीं आया है तो वो कमीशन कमिंग सून है, वो आ जाएगा, आपको दिखा देगा कि इस पर कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये एम किसान पॉइंट है, ठीक है, ये किसान पॉइंट की सेवाएँ हैं, उसमें आपको इतना कमीशन देगा, ₹4-4.80 से लिस्ट है ये, आपको इससे कमीशन भी ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। इसके बाद ये B2C सेवाएँ हैं, ठीक है, ये B2C सेवाएँ, इनमें अच्छा कमीशन है आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें इनका परसेंट के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें CSC बाजार में आपको जो कमीशन दिया जाएगा वो 1.50% के हिसाब से दिया जाएगा, और जो VSFL लोन है उसके लिए आपको 0.6% के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप अपोलो हेल्थ में काम करते हैं तो उसके लिए अलग कमीशन है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ई पशु चिकित्सा में काम करते हैं, तो जैसे कि मैंने अपनी ई पशु के चिकित्सा के बारे में वीडियो बताया है, तो वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, और इसका ये कमीशन जो है ई पशु का आपको ₹24 दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको और भी कमीशन दिए हैं, जीवा अभी नई सुविधा आई है, जीवा आयुर्वेदा, अगर इस पर आप कोई इनका ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आपको जो इनका 17.39% अमाउंट के हिसाब से दिया जाएगा आपको। इसके बाद बैंकिंग सेवाएं हैं, लेकिन क्या है, बैंकिंग सेवाएं अभी यहाँ पे नहीं आई हैं, मतलब अभी इनका
एंड कमिंग सुन है इनका कमीशन, ठीक है, तो इनका अभी नहीं आया है, इसका हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और इनकी और जो सेवाएं हैं बैंकिंग के अलावा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंकिंग सेवा में आप एक बात का ध्यान रखें कि एक चीज़ का बहुत ही अच्छा कमीशन है जो है आधार सीडिंग का, ठीक है, तो ये आपको आधार सीडिंग का काम जरूर करना है क्योंकि आप इसमें अच्छा कमीशन पा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक आधार की सीडिंग पे आपको 4 रुपये आफ्टर सक्सेसफुली आधार सीडिंग के बाद आपको दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी सेवा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम एजुकेशन रिलेटेड सर्विस में, तो ये यहाँ पे NIET सर्विस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NIET की सर्विस है और यहाँ पे आपको 14 से लेके 38 रुपये तक आपको NIET सर्विस आपको इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और भी हैं ऐसे ही, ठीक है, तो इनका कमीशन यहाँ पे नीचे और भी दिया हुआ है, डिस्कॉल करेंगे हम और भी देख लेंगे। तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है, और भी सेवा है, इनका कमीशन यहाँ पे है। चलिए चलते हैं नीचे और देख लेते हैं हम इनका कमीशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनकी सर्विस कि यहाँ पे ये नायोस रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपये दे रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए बेसिक कंप्यूटर VCC, अगर आप बेसिक कंप्यूटर CC का ये जो है आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, तो ये आपको 345 रुपीज़ तक ये देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद इग्नू में आ जाइए आप, इग्नू की जो सेवा है कमिंग सून में है, ये अभी आपको यहाँ पे अभी इनका कमीशन नहीं आया है। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी से आपको 40% मिलेगा, और इसके बाद और यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आपको नोएडा से यहाँ पे आपको 40 जो है मिलेगा, 40 रुपये यहाँ पे, ठीक है, मिलेंगे आपको। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे टैली सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि मैंने अपने टैली पे भी वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ उसका भी काम करके इस पे जो है 190 रुपये कोर्स का आप यहाँ पे सारा जो कमीशन लिखा हुआ है आप ये कमीशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इसका इलेक्शन सर्विस पे आप आएंगे तो इलेक्शन सर्विस पे आप किसी का एपिक कार्ड प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है, ये मिजोरम में सर्विस है यहाँ पे, तो ये आपको 8 रुपये यहाँ पे कमीशन के वाइज में दिए जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे इन इलेक्शन कर्मी कमीशन का काम शुरू किया है तो वहाँ का ये कमीशन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे किसी राज्य में, सारे राज्य में अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, सारी स्टेटों में, ये कुछ ही स्टेटों में जो है काम इसका इलेक्शन सर्विस का काम स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली इंडिया दिल्ली और इंडिया में ये गुजरात पंजाब छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड, और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो झारखंड तमिलनाडु हरियाणा ओडिशा महाराष्ट्र, ठीक है, इतने ही स्टेट में इन्होंने इसकी सेवा इलेक्शन सर्विस कमीशन की सेवा दी हुई है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अगर पेमेंट करते हैं आप तो यहाँ पे आपको 4.5 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और उड़ीसा में आप देखेंगे तो ये 3.60 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब 3.60 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे आप, तो नीचे आने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी सारे जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पे होता है ऑनलाइन, तो इनका वहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा कमीशन जो है यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, ठीक है, 16 रुपये दिया जा रहा है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने पे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे G2C सर्विस में, आप देख सकते हैं सबसे अच्छा कमीशन जो है पासपोर्ट पे है, 70 रुपये आपको पासपोर्ट पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी काम इनका अच्छा है। अगर आप नेशनल पेंशन योजना का काम करते हैं, स्वावलंबी योजना, तो आपको 80 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे कमीशन देख सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति भवन का किसी का अगर कोई घूमने यहाँ पे जा रहा है, विजिट कर रहा है, तो उसका अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 9 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो सारे कमीशन जितने भी आए हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और भी कमीशन है आप यहाँ पे उन्हें पढ़ सकते हैं और उनका काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जिनका कमीशन सबसे अच्छा हो आप वही काम करें, ठीक है। MP स्टेट की सेवाएं यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, थीके? आप देख सकते हैं इनका सारे काम हर जगह इनकी अलग अलग, किस कहीं पर इनकी डिस्ट्रिक्ट है और कहीं पर नहीं है, ठीक है, तो उनके कमीशन भी वहाँ के हिसाब से अलग अलग हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कमीशन दी हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है VLE अपने सारे अपना CSC के कमीशन इस तरीके से बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफर मनी ट्रांसफर भी होता है इनके यहाँ, और इस पर भी कमीशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं। CSC रोजगार दुनिया का भी इन्हें दिया हुआ है, 10 से 15 रुपये आपको ये देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे कमीशन दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट E-Learning, ठीक है, यहाँ पे इनका 70 रुपये है, ठीक है, तो इनका बहुत अच्छा से अच्छा कमीशन है। अगर आप इनका काम करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी जो है पैसे की इनकम होगी, ठीक है, तो इनका काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इसमें अपना CSC से मोस्ट बहुत ही अच्छी वीडियो जो है इसमें डालते रहते हैं। तो आपको खुद जल्दी से हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।